नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार नेटवर्क। देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के भी पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोलियम कंपनियां हर रोज कीमतों में इजाफा कर रही हैं। जनता बढ़ती कीमतों की मार से परेशान है। इन सब के बीच देश के पेट्रोलियम मंत्री ने संकेत दिए हैं कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से अभी निजात नहीं मिलने वाली। वहीं गुजरात पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया कि क्या आप आसमान छू रही डीजल पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। इस सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी सरकार की आमदनी काफी कम हो गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आमदनी कम रही और इसके 2021 व 22 में भी कम रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि आमदनी कम हुई है और सरकार का खर्च बढ़ा है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में खर्च बढ़ा है, वेलफेयर एक्टिविटीज में भी सरकार खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े खर्च और कम हुई आमदनी को देखते हुए डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का यह सही वक्त नहीं है। देश के पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम फिलहाल कम नहीं होंगे। उन्होंने इसकी कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के कारण भी बताए। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पीछे कुछ मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $70 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर नीति आयोग ने वॉइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा था कि सरकार को कुछ करना चाहिए। बता दें कि 7 जून यानी कि आज भी पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया था। दिल्ली में डीजल की कीमतों में 27 पैसे और पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। एक दिन पहले यानी 6 जून को भी पेट्रोल के रेट 27 पैसे और डीजल के रेट 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। मुंबई में पेट्रोल 101.52 और डीजल 93.98 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।